हाल की जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। आज के इस वीडियो में मैं एक फार्म को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और वहाँ जाके वहाँ के फार्मर से मिलूँगा और जानूंगा एक फार्मर की लाइफ के बारे में। फार्मर को जगत का तात कहते हैं। वैसे भी हमारा इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। एक फार्मर तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड हो या मुसलधार बारिश हो, किसी की भी परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करता है, तब जाके वो बेहतरीन फसल ले पाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मुसाफिर द ट्रैवलर सागर ठाकर और स्वागत है आपका नए व्लॉग पे फार्म हाउस की सफर। आज के इस व्लॉग में मैंने फार्म को एक्सप्लोर करना क्यों सोचा, क्योंकि अभी जो रिसेंट में जो गुजरात में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था तौकते, जिसने बहुत सारे फार्मर्स की फसल को बर्बाद कर दिया है। आप सोचो कि एक फार्मर पूरे साल मेहनत करके फसल को बनाता है और जब वो फसल लेने का टाइम आया उस टाइम पर ये उनकी बर्बादी हुई, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। इस फार्मर की लाइफ को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आज के व्लॉग में हम वही देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इस फार्म के ऑनर से मिलवाना चाहूँगा। ये है राजू भाई, जो इस फार्म के ऑनर है और साथ साथ में वो बहुत सारी सोशल एजुकेशनल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मैं जो स्कूल में पढ़ा था 1 to 12 तक, ये उनके सेक्रेटरी है, और बाड़ोली की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है सरदार स्मारक हॉस्पिटल, ये उनके भी सेक्रेटरी है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें ये फार्म देखने का मौका दिया और ये फार्मर की लाइफ के बारे में जानने का हमें मौका मिला। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये फार्म आपके फैमिली में कब से है? ये मेरा फार्म है मेरे फैमिली के पास 1982 से। सर, ये पूरा फार्म जो है कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, और सर यहाँ कौन सी फसल आप उगाते हो? यहाँ ज़्यादातर बनाना, कभी गन्ना, ये जो छोटी बाड़ी है, कभी पपीता लगाता रहता हूँ। सर, मैंने सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखी कि मैं हर खेत देखता हूँ कि वहाँ पे ट्रीज बहुत कम दिखते हैं, जब आपके खेत पूरा ट्रीज से भरा हुआ है। सर, ऐसे पेड़ों का होना ही, ये धरती पे पेड़ों का होना ही ये जीवन है। ये आप ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, वो पेड़ों पे ही है। सर, एक्चुअली जो आपने बात बोली वो सही है कि आज की पेंडेमिक सिचुएशन ने सबको समझ दी है कि ऑक्सीजन का कितनी ज़रूरत है, तो पेड़ ही नहीं बचेंगे ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हो रही है। और मैं नेचर लवर हूँ, इसलिए मैंने ये सब लगा के रखा है। मेरे यहाँ मैंने तरह तरह के पेड़ लगा के, कोई पीपल का पेड़ नहीं लगा था, मैंने पीपल का पेड़ भी लगाया है। अच्छा। मैंने वड़ का पेड़ भी लगाया है, मैंने नीम का पेड़ भी लगा के रखा है, ये सब लगा के रखा है। और तो और पशु पंखियों के लिए मैंने जो इमली आती है वो लगा के रखी है, बैर लगा के रखा है, इवन फीग यानी कि अंजीर। अच्छा। अंजीर की भी लगा के रखा है। जो अंजीर है वो कोई खाते नहीं है, बड़ा होता है, वो सिर्फ पशु पक्षियों के लिए रखने रहने दिए है। क्या बात है सर, बर्ड्स के लिए आपने स्पेशली हाँ। ट्रीज यहाँ पे लगाए हैं, बहुत बढ़िया सर। सर, अभी ये फार्म में कौन सी फसल है? सर, अभी फार्म में तो ये मैंगो है और बनाना है। अच्छा, अभी नया बनाना डालने वाला हूँ और शायद सोच रहा हूँ कि 1,000 या 500 से ज़्यादा पेड़ कोकोनट का लगा दूँ, कोकोनट की बाड़ी बनाने का सोच रहा हूँ। तो चलो सर, हम फार्म देखें। चलो। ये यहाँ मैंने बरगद का पेड़ लगाया है, जो 22 आवर्स ऑक्सीजन देता है, उस पर जो उनके जो फ्रूट आते हैं वो पक्षियों के लिए अच्छा रहे, सेहत के लिए अच्छा रहता है। ये लीची लगा के रखी है, ये मैंने फ्रेशनेस के लिए चंपा का पेड़ लगा के रखा है। इसके फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। ये जो है वो शिवलिंग की है। अच्छा, वो जो है फनस का पेड़ लगा के रखा है। अच्छा, इसमें फनस भी लगे हुए हैं। हाँ, पीपल का पेड़ लगा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, आज का पेंडेमिक में ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ती है, ये नेचुरल ऑक्सीजन के लिए ये लगा के रखा है। उसके पास मैंने खट्टी इमली लगा के रखी है, ये नीम का पेड़ लगा के रखा है। ये नेचर के लिए सब अच्छा है, इसलिए यहाँ इतना इतनी ज़मीन में ये सब लगा के रखा है। ये जो है हाँ, ये गिलोय की बेल है जो चढ़ रही है ऊपर, ये जो है ये गिलोय है। अच्छा, ये गिलोय ऊपर गिलोय भी लगा के रखी है।
और पीछे भी दो तीन नीम के पेड़ थे उस पर भी गिलोय लगाए, लेकिन ये कल जो बारिश और ये टॉटे का वावा आया था उसमें गिर गए हैं। अच्छा, वो वापस लगा के रख देंगे हम दूसरा। ये जो है नेचुरल फ्लावर्स है जो नेचुरल स्मेल देता है। हाँ सर, ये कौन सी मैंगो है? ये जो है केसर है। अच्छा सर, कितने साल का होगा ये? करीबन 12 साल का हो गया है। अच्छा, लेकिन मैं हर दो साल में उसको प्रूनिंग करता रहता हूँ। अच्छा, वो जो है 15x15 पर लगाया है। हाँ। तो उनको प्रूनिंग की जरूरत है। हाँ। तो हर दो साल के बाद मैं प्रूनिंग करता रहता हूँ उसको। एक्चुअली सर, मेरा ये फार्म पे जो ब्लॉग बनाने का मेरा विचार आया, इसकी एक ही वजह है कि जो ये तौकत जो भी साइक्लोन आया था, तो मैंने सुना कि बहुत सारे फार्मर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ। तो एक फार्मर की लाइफ कितनी हार्ड होती है, मुझे वही मेन जानना था। वो मेरे सामने जो केले लगे वो सब उसमें से लगभग 1500 से 1500 केला लुंगर के साथ गिर गया है। अरे बाप रे। तो एक फार्मर एक पौधे का लागत 100 रुपया होता है, मिनिमम 100 रुपया। हाँ। अगर 12 महीने के बाद ये गिर गया है तो उसके पास कुछ नहीं आएगा। अगर छोटा फार्मर जो है, हाँ, जिसके पास 2-3 एकड़ भी होगी, अगर पूरा अगर जो इसमें गिर गया होगा, हाँ, तो उसने किसी बैंक से या किसी ठेकेदार के पास लोन ले होगी। सही बात है। वो ब्याज पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाँ। अगर ऐसा हो गया तो कभी कभी जो फार्मर्स छोटे छोटे फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर दे, इसकी वजह ही है। ये अंजीर का पौधा है, उस पर जो फ्रूट आते हैं वो सिर्फ पशु पक्षियों के लिए रखते हैं, हम इस पर तोड़ के खाते नहीं है, सिर्फ पशु पक्षियों के लिए रखते हैं। अंजीर का पेड़ इसीलिए ही रखा है क्योंकि जो जीवन है वो जीवन में सबकी साथ की जरूरत रहती है। सच बात है, इंसान को पशु पक्षियों की जरूरत है, पशु पक्षियों को इंसान की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। जो कुदरत ने बैलेंस करके रखा है वो बैलेंस हम जहाँ तक मेंटेन रखेंगे तब तक ये पृथ्वी पे सही जीवन है। मैंने यहाँ कोको का भी प्लांट लगा के रखा है दो। अच्छा, कोको का प्लांट? हाँ, वो ट्रायल के लिए रखा है। मेरे एक दोस्त के यहाँ मैंने देखा था, एक पेड़ था उस पर लगा था, उसने बताया कि मुझको यहाँ लगता है, तो बोला कि ये लगता है, तो दो पेड़ लाके मैंने लगा के रखा है। क्योंकि मैं इनोवेटिव फार्मर हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। सर, मैंने तो पहली बार देखा है कि कोको का पेड़ भी हमारे यहाँ लग सकता है। और मेन चीज़ सर, यहाँ आपके फार्म की बताऊँ कि बहुत सारी ऐसी वेराइटी है कि जो मैंने पहली बार देखी कि अपने एरिया में ये भी हो सकता है। ये जो प्लांट है वो मैजिक फ्रूट का प्लांट है, उसमें इतना छोटा सा फ्रूट आता है, उसको खाने के बाद, ये फ्रूट खाने के बाद आप नींबू भी खाओगे तो खट्टा नहीं लगेगा, मीठा ही लगेगा, इसलिए इसको मैजिक फ्रूट बोलते हैं। क्या बात है सर। सर, एक्चुअली आज यहाँ के मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला, बहुत कुछ नया देखने को मिला, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। सर, थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय देने के लिए। इसमें थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम वर्क करते ही रहना है। ये पत्थर में भी आप बीज डाल दो तो पौधा निकल ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हमारी ये उम्र बीत गई अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात है सर, आखिर सांस तक कुछ ना कुछ इनोवेटिव नया करना चाहिए, तो आपका तंदुरुस्त भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी लगेगा, मन लगा रहेगा तो तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। आज फार्म की विजिट करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी नई चीज देखने को मिली, जानने को मिली, और स्पेशली जो फार्मर थे राजू भाई, उनको तो मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे इंसान कहाँ बचे जो पेड़ के ऊपर लगे फ्रूट नहीं तोड़ते सिर्फ पक्षियों के लिए, जो बर्ड्स है उनको खाने के लिए वो फ्रूट ऊपर से तोड़ते ही नहीं है। बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जिसमें कई सारे फ्रूट लगे हुए थे, फिर भी एक भी फ्रूट नहीं तोड़ रहे थे,
सब साथ में रहेंगे तो ही हम जी पाएंगे, और उनकी बात परफेक्टली सही है। और दूसरा एक चीज़ की आज का मैंने फार्मर की जो पूरी लाइफ स्टाइल सुनी, उनकी जो मेहनत देखी, वो देख के मुझे एक बात मैं श्योर कहना चाहूँगा कि लोगों की मेहनत बहुत ज़बरदस्त होती है। और जो ये अभी साइक्लोन आया था तो उन्होंने जितने भी फार्मर्स की फसल को नष्ट किया है, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें कि उनके परिवार को और उनको ये मुश्किली का सामना करें और उसका सामना करने की हिम्मत मिले। और दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम सबसे जितना हो सके उतना ये जो फसल जिसकी नष्ट हुई है वो फार्मर को सपोर्ट करने की ट्राई करें। ऐसे ही नई नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मुसाफिर द ट्रैवलर सागर ठाकर के साथ, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।